शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र 26 से बीजेपी के प्रीतम सिंह लोधी ने कांग्रेस के अरविंद लोधी को हराया। वहीं करेरा से बीजेपी के रमेश खटीक ने कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव को हराया। बीजेपी के देवेंद्र जैन ने कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह का काजू को हराया। कांग्रेस के कैलाश खुशवाहा ने बीजेपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राणखेड़ा को हराया। बीजेपी के महेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस के बैजनाथ सिंह यादव को हराया। लेकिन दुख भी है कि सरकार कांग्रेस की नहीं बनी और मेरा चुनाव में जनता ने लड़ा और जनता के कहने पे मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और मेरी जीत का श्रेय पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को और पूरे जिले वासियों को पूरे कांग्रेस संगठन को देता हूँ। बहुत बहुत रोजगार की भी बात आती है, कहीं ना कहीं शिवपुरी में रोजगार की बहुत कमी है। तो बताया कई बार मैंने कहा कि रोजगार कोई मामूली समस्या नहीं है। हमने बहुत सारी ज़मीनें कोलारस के, मैं विधायक था, पड़ोरा भेड़ फार्म में भी आपने देखा हो 2000 बीघा जमीन वो दो विभाग को ट्रांसफ़र कराई। कोटा रोड पर एक बैरवारा गाँव है वहाँ मैंने 70 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफ़र कराई। उद्योग बहुत परिश्रम किया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, 30 साल से झेल लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ के पदाधिकारियों ने बहुत पिछोर का एक तरह से खून चूसा है। इन लोगों ने मुझे पूरा अत्याचार अन्याय किया है कि भाई को भाई पे लड़ाया है और समाज को समाज में से लड़ाया है। ये नफरत की दीवार खड़ी कर दी है इन लोगों ने, इस दीवार को ढकना है और एक प्रेम की गंगा वहाँ पर बहाना शुरू कर दी है। सारी समाज को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा तीनों राज्यों में हुई है और मध्य प्रदेश में तो और ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा हुई है। सबको सभी न्यूज़ चैनल भी बता रहे थे और लाडली बहना और तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो आदरणीय शिवराज सिंह जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो गरीबों के हित में चालू कर रखी थी उनका ही नतीजा आज है। 15 साल पहले मैं ट्रेन नहीं मिला था, इस बार विश्वास किया पार्टी।